Thank <music> you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जन्म के समय नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम 320 ग्राम 350 ग्राम और इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 350 ग्राम क्वेश्चन नंबर 52, टू वर्ष की अवस्था तक बालक के मस्तिष्क का भार होता है एक किलो 250 ग्राम दो किलो 300 ग्राम एक किलो 400 ग्राम एक किलो 600 ग्राम इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन एक किलो दो सौ पचास ग्राम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री निम्नलिखित में से किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन शैशवावस्था क्वेश्चन नंबर 54 बालक प्रथम छह वर्षों में बाद के बारह वर्षों से दूना सीख लेता है यह कथन किसका है एडलर रूसो गेसल इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन गेसल का क्वेश्चन नंबर 55 बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु में मुख्यतः किन संवेगों का अस्तित्व रहता है प्रेम भय पीड़ा क्रोध विकल्प ए व विकल्प बी दोनों न तो विकल्प ए और न ही विकल्प बी इसका सही आंसर है सी ऑप्शन विकल्प ए व विकल्प बी क्वेश्चन नंबर 56 किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस स्टनले हॉल कार्ल ग्रूस इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है ए ऑप्शन कोल एवं ब्रूस क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की विशेषता नहीं है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता संग्रह की प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति की न्यूनता शारीरिक तथा मानसिक विकास में अस्थिरता यहां पर सही ऑप्शन है डी शारीरिक तथा मानसिक विकास में अस्थिरता यह विशेषता बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है क्योंकि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता सही है अस्थिरता गलत है इसलिए यहां पर ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 58 किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है जेपी गिलफोर्ड कोल्सनिक कोल एवं ब्रूस रॉस इसका सही आंसर है डी ऑप्शन रॉस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामूहिक खेल व शारीरिक शिक्षा को निम्न में से किसने महत्वपूर्ण माना जीन पियाजे कॉल्सनिक कोल एवं ब्रूस इनमें से सभी यहां पर सही आंसर है बी कॉल्सनिक क्वेश्चन नंबर सिक्सटी बालकों के खेल उन कार्यों के पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं यह किसका मत है जी स्टर्नले हॉल स्ट्रैग कार्ल ग्रूस, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है ए ऑप्शन जी स्टर्नले हॉल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन खेलों द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है यह मत किसका है कोल एवं ब्रूस कार्ल ग्रूस स्टर्नले हॉल फ्रायड यहां पर सही आंसर है बी ऑप्शन कार्ल ग्रूस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर कितनी हो जाती है दो सौ पचहत्तर दो सौ अस्सी तीन सौ तीन सौ पचास इसका सही आंसर है डी ऑप्शन तीन सौ पचास थ्री हंड्रेड फिफ्टी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पूर्ण विकसित मस्तिष्क का कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार होता है नाइन्टी परसेंट नाइन्टी थ्री परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट वन हंड्रेड परसेंट इसका सही आंसर है सी ऑप्शन नाइनटी फाइव परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई में लगभग कितनी वृद्धि होती है पांच से सात सेंटीमीटर तीन से सात सेंटीमीटर छह से आठ सेंटीमीटर इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है ए ऑप्शन पांच से सात सेंटीमीटर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव निम्न में से कौन सी शिक्षा विधि क्रिया एवं खेल पर आधारित है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि मोरिया मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विलियम एच किलपैट्रिक डॉल्टन शिक्षण विधि हेलेन पार्कस्ट किंडर शिक्षण विधि फेडरिक विलियम अगस्ट फ्लोवेल और उपर्युक्त सभी तो यहां पर दिए गए ऑप्शन ए टू डी सभी खेल विधि पर आधारित हैं इसलिए यहां पर ऑप्शन ई e सही होगा उपर्युक्त सभी ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए यह मत किसका है जीन पियाजे कोहलबर्ग कॉल्सनिक जेपी गिलफोर्ड इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कॉल्सनिक क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है अंतर्मुखी बहिर्मुखी इनमें से दोनों इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इनमें से दोनों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों जिन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी इसलिए हां ऑप्शन सी सही है इनमें से दोनों क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट निम्न में से किसने किशोरावस्था को संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था माना है स्टर्नले हॉल क्रो एवं क्रो वैलेंटाइन कॉल्सनिक यहां पर सही ऑप्शन है ए स्टर्नले हॉल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन मानव विकास की किस अवस्था को संधिकाल कहा जाता है शैशवावस्था किशोरावस्था पूर्व बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन किशोरावस्था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हाइडो कमेटी ने बालकों की किस उम्र को बालक की नसों में ज्वार उठना बताया है 11 से 12 वर्ष 12 से 13 वर्ष 13 से 14 वर्ष और 14 से 16 वर्ष यहां पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 11 से 12 वर्ष क्वेश्चन नंबर 71। वन किशोरावस्था को किसने शैशवावस्था की पुनरावृत्ति माना है रॉस विंग वहंट पी एन झा स्किनर यहां पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन रॉस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू बालक के पूर्ण मस्तिष्क का विकास 1200 से 1400 ग्राम किस उम्र तक हो जाता है 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सोलह वर्ष क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है जीवन दर्शन का निर्माण तथा समूह को महत्व ईश्वर तथा धर्म में विश्वास व वीर पूजा की भावना संवेगात्मक विकास तीव्र एवं अस्थायित्व और दीवा स्वप्न की स्थिति यहां पर सी ऑप्शन संवेगात्मक विकास तीव्र एवं अस्थायित्व ये किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता नहीं है क्योंकि संवेगात्मक विकास तीव्र एवं अस्थायी होता है इसमें अस्थायित्व तो नहीं होता इसलिए यह ऑप्शन किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर किशोरावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या होती है दो सौ सत्तर तीन सौ पचास दो सौ सौ आठ यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन टू हंड्रेड सिक्स दो सौ छह क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव किशोरावस्था में सामाजिकता के विकास के लिए आवश्यक है सामूहिक खेल स्काउटिंग एन तथा एनसीसी पर्यटन इनमें से सभी यहां पर सही ऑप्शन है टी ऑप्शन इनमें से सभी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स एक नवजात शिशु का भार कितना होता है आठ पाउंड नौ पाउंड बारह पाउंड और छह पाउंड यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन नौ पाउंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन जहां तक बुद्धि के विकास का संबंध है यह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है यह मत किसका है बी एन झा विंग हंट क्रो एवं क्रो स्टनले हॉल यहां पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन बी एन झा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं यह मत है रॉस स्टनले हॉल वैलेंटाइन इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन वैलेंटाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन किशोरावस्था में मांस पेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट थर्टी थ्री परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट और फिफ्टी परसेंट यहां पर सही ऑप्शन है फोर्टी फाइव परसेंट सी ऑप्शन इज करेक्टर क्वेश्चन नंबर एटी प्रसिद्ध पुस्तक मानवीय बुद्धि पर निबंध के लेखक हैं रूसो जॉन डीवी जॉन लॉक इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन जॉन लॉक क्वेश्चन नंबर एटी वन किसने कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है उडवर्थ स्टैग अरस्तु इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन अरस्तु क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से किसने यह माना कि जब बालक छह वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है डी मैकार्थी क्रो एवं क्रो अरस्तु उडवर्थ यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन क्रो एवं क्रो क्वेश्चन नंबर 83 यह किसका मत है माता पिता की शिक्षा बच्चों के मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है अरस्तु पियाजे थार स्ट्रैग यहां पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन स्ट्रैग क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है सार्थक शब्दों का प्रयोग बच्चा तीन वर्ष में करने लगता है तृतीय वर्ष अक्षर लिखना प्रारंभ करता है चतुर्थ वर्ष रंगों की पहचान करता है पांचवें वर्ष में और इनमें सभी सुमेलित हैं तो यहां पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन इनमें सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर एटी फाइव संवेक चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है यह कथन किसका है कंटोविस उडवर्थ रॉस इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन रॉस क्वेश्चन नंबर 86 नवजात शिशु में तीन संवेद भय क्रोध और प्रेम की परिकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने की कैंटोविज वॉटसन रॉस इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन वाटसन इन्होंने सन 1919 में नवजात शिशु में तीन संवेग, भय, क्रोध और प्रेम की परिकल्पना की थी सही विकल्प होगा बी ऑप्शन वाटसन ओके क्वेश्चन नंबर 87 सेवन व्यक्त व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है यह मत किसका है उडवर्थ वाटसन रॉस इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन उडवर्थ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से कौन संवेग की विशेषता नहीं है संवेग अस्थाई और अपरिवर्तनशील रहता है संवेग अक्रमबद्ध एवं अश्रृंखलित रहता है संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है संवेग धनात्मक और ऋणात्मक रूप में होते हैं तो यहां पर ऑप्शन संवेग अस्थाई और अपरिवर्तनशील रहता है यह संवेग की विशेषता नहीं है सही होगा संवेग अस्थाई और परिवर्तनशील होता है संवेग अस्थायी और परिवर्तनशील रहता है इसमें अस्थायित्व तो नहीं पाया जाता इसलिए यह विशेषता संवेग की सही विशेषता नहीं है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एटी नाइन किस पाश्चात मनोवैज्ञानिक ने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया जी एस हॉल कोल एवं ब्रूस हरलॉक और मैकडूगल यहां पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन मैकडूगल क्वेश्चन नंबर नाइनटी कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था संवेगात्मक विकास का आदर्श काल है शैशवावस्था पूर्व बाल्यावस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन बाल्यावस्था क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन निम्न में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था है शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन बाल्यावस्था इस अवस्था में समूह बनाने की बात पाई जाती है और ये अवस्था छह वर्ष की अवस्था कही जाती है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू संवेद चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है यह मत है उडवर्थ का बी एफ स्किनर का रॉस का और इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है सी ऑप्शन रॉस क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है यह कथन किसका है रॉस गिलफोर्ड वैलेंटाइन इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन गिलफोर्ड ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 94 फोर निम्न में से किसने संवेग को अनुभव का एक प्रकार कार्य की प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि माना है पर कैंटोविस जर्शिल्ड वैलेंटाइन मैकडूगल यहां पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन मैकडूगल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है यह मत किसका है स्कीनर का उडवर्थ का मैकडूगल का हरलॉक का यहां पर सही ऑप्शन है डी ऑप्शन हरलॉक क्वेश्चन नंबर 96। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत प्रज्ञ काल का समय है तीन से चार वर्ष चार से सात वर्ष चार से आठ वर्ष इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन चार से सात वर्ष फोर टू सेवन ईयर्स नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माइकडूगल एरिक्सन थॉर्न डाइक इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इरिक्शन क्वेश्चन नंबर 98। नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वतः स्फूर्त प्रत्ययों की प्राप्ति है यह कथन किसका है जीन पियाजे सेमुअल स्माइल, बी एफ स्कीनर इनमें से कोई नहीं यहां पर सही ऑप्शन है ए ऑप्शन जीन पियाजे क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से किसने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में किया है लॉरेंस कोहलबर्ड जीन पियाजे जीएस हॉल बी एफ स्किनर यहां पर सही ऑप्शन है बी ऑप्शन जीन पियाजे क्वेश्चन नंबर 100 जीन पियाजे के नैतिक मूलक सिद्धांत में से कौन सुमेलित है नैतिक यथार्थता दो से सात वर्ष तक नैतिक समानता आठ से बारह वर्ष तक नैतिक सापेक्षता बारह वर्ष से प्रारंभ इनमें से सभी सुमेलित हैं। यहां पर डी ऑप्शन सही है इनमें से सभी सुमेलित हैं। ओके स्टूडेंट्स आज के इस भाग में बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो थैंक यू फॉर वॉचिंग